हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनवायरमेंटल साइंस। में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के बारे में और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज़ अ सिस्टम कंसिस्टिंग बायोटिक और अबायोटिक कॉम्पोनेंट। ठीक है, इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में बायोटिक कॉम्पोनेंट भी होते हैं, अबायोटिक कॉम्पोनेंट भी होते हैं। बायोटिक कॉम्पोनेंट रिलेटेड टू द लिविंग बींग्स, अबायोटिक कॉम्पोनेंट जैसे कि बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो सारे अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स में आते हैं। द बायोटिक कॉम्पोनेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग थिंग्स, वेयर एज अबायोटिक कॉम्पोनेंट आर नॉन लिविंग थिंग, जैसा कि अभी मैंने बताया। ठीक है, तो जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक में आती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अबायोटिक कॉम्पोनेंट में आती हैं। लेकिन दीज आर द पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फोर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हैं। लैंड इकोसिस्टम है, लैंड में भी अलग अलग तरीके के हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, वाटर बॉडीज हैं तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो इस पे बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, जो पार्ट होते हैं हमारे इकोसिस्टम का। एन इकोसिस्टम साइंस डेफिनेशंस एंटेल द इकोलॉजिकल कम्युनिटी कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अलग अलग तरीके के जो स्पीशीज होते हैं उनकी कम्युनिटी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट होती है। ठीक है, सो एन इकोसिस्टम एंटेल अ इकोलॉजिकल कम्युनिटी consisting of different populations of organism that live together in a particular habitat. Natural science like ecology and geography define ecosystem as a geographic area where organism, weather or landscape work together. ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ हैं जो और आपस में interconnected भी हैं। जैसे कि अगर आप ये पिक्चर देखिए तो यहाँ पर भी आपको इस पिक्चर से कुछ मीनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, कि भाई किस तरीके से ये इकोसिस्टम है, यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे लिविंग बींग्स सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लैंडस्केप, वेदर भी है, लैंडस्केप भी है और ऑर्गेनिज्म भी हैं, दे आर लिविंग देयर और क्लाइमेट का उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, वो अपना हैबिटेट बना के वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, सो वर्क टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ बबल ऑफ लाइफ। एन इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है जहाँ डिफरेंट स्पीशीज रहती हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की स्पीशीज और उनकी कम्युनिटी सर्वाइव करती हैं, प्लस द एनवायरमेंट। इकोलॉजी विच इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ बिटवीन पॉपुलेशंस और बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट कैन व्यू एट द लेवल एंड द इंडिविजुअल अ पॉपुलेशन अ कम्युनिटी और अ इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम में ये तीनों चीज़ें होती हैं, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, क्लास। ठीक है, स्पीशीज की कम्युनिटी, उनकी क्लास, तो ये सब हमारे इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। आगे मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा कि भाई कम्युनिटी का क्या मतलब होता है, क्लास का क्या मतलब होता है, पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, दो तरीके का इकोसिस्टम होता है, बायोटिक होता है, अबायोटिक। व्हाट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज एन कम्युनिटी प्लस, ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, आगे करते हैं। बायोटिक कॉम्पोनेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग थिंग्स, बेसिकली देर आर टू टाइप मेजर लिविंग थिंग्स, दे आर इक्योरेप्टस ऑन द प्रोक्रियोट्स। ठीक है, बायोटिक कॉम्पोनेंट प्लांट्स फॉर इंस्टेंस हैव, प्लांट्स हैव क्लोरोप्लास्ट दैट इनेबल देम टू हार्वेस्ट लाइट एनर्जी। जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सनलाइट में करते हैं, सनलाइट की हेल्प से वो फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देन दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम देयर एनवायरमेंट टू कन्वर्ट देम इनटू द शुगर एंड बायो मॉलिक्यूल दैट कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज केमिकल एनर्जी सच एज एटीपी बिकॉज दे आर कैपेबल प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दे आर रेफर्ड
एज टू द प्रोड्यूसर, इनको प्रोड्यूसर भी कहते हैं। नेक्स्ट टू द प्रोड्यूसर आर प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर वाइल दे सर्व एज अ फूड सोर्सेज टू द हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर, सेकेंडरी टेरेटरी, ठीक है। उसके बाद फिर द एनिमल आर एग्जाम्पल ऑफ द कंज्यूमर, जो एनिमल्स होते हैं ये कंज्यूमर का एग्जाम्पल होते हैं। द एनिमल दैट फीड प्लांट, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, कॉल्ड हार्वीवोरस, जिनको हार्वीवोरस बोलते हैं। वेयर एज दैट फीड ऑन अदर एनिमल, और जो ये हार्वीवोरस है वो अदर एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं, जिनको कार्निवोरस बोलते हैं। देयर आर दोज फीड ऑन द बोथ प्लांट एंड एनिमल, उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। और जो जीव जंतु, जो जानवर पौधे और जीव दोनों को खाते हैं, उनको ओमनीवोरस कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है, प्लांट्स एनिमल्स। अबायोटिक कंपोनेंट, द अबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड द नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि रॉक है, सॉइल है, मिनरल्स हैं, वाटर सोर्सेज हैं, लोकल एटमॉस्फेयर है। तो ये सारा क्या है, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट है। अब ये जो अबायोटिक कंपोनेंट है ये बायोटिक कंपोनेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अब कोई भी एक एरिया, ठीक है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, अगर वेदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसी हिसाब से वहाँ लिविंग विंग सर्वाइव करते हैं। अगर वहाँ पे वेदर क्या है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसका अफेक्ट वहाँ के स्पेशीज़ पे पड़ेगा और वहाँ पे जितने भी हैबिटेट्स हैं उन पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पार्ट है हमारे अबायोटिक कंपोनेंट का, रॉक, सॉइल, मिनरल, वाटर सोर्सेज। सिमिलर टू बायोटिक कंपोनेंट, द अबायोटिक कंपोनेंट आल्सो हैव देयर इकोलॉजिकल रोल। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड सर्व एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दे आर एसेंशियल टू ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अपार्ट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, दे ऑल्सो प्रोवाइड ऑर्गेनिज्म अ प्लेस टू लिव एंड थ्राइव हैबिटेट। नाउ आई एम मूविंग ऑन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज वन दैट अकर ऑन लैंड, जो हमारे लैंड है उस पर जो इकोसिस्टम फॉर्म होता है उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। लैंड बेस्ड इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट एग्जांपल होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट। अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज वन ऑफ द कंसिस्ट वेरियस प्लांट। आप किसी जंगल में जाइए, किसी फॉरेस्ट में जाइए, तो वहाँ आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रीज़ मिलेंगे। बिकॉज ऑफ द एबेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड दैट सर्व एज प्रोड्यूसर, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं एनिमल्स के लिए। एनिमल्स वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे फिर, जब क्योंकि एनिमल्स को अपना भोजन वहाँ मिल रहा है। सो दिस इकोसिस्टम अबाउंड इन लाइफ, नॉट ओनली प्लांट बट ऑल्सो एनिमल एंड टीमिंग इन फॉरेस्ट। दे आर ऑल्सो ग्रेट सोर्स ऑफ द फ्रूट्स, और जैसे कि हमें पता ही है फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत सारे वुड मिलती है, मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे थिंग्स मिलती हैं, ठीक है। सेकंड है ग्रासलैंड, थर्ड है टुंड्रा इकोसिस्टम। इट इज़ करेक्टराइज एज अ बीइंग ट्री लेस एंड स्नो कवर्ड। टुंड्रा जो होते हैं वो ट्री नहीं होते हैं लेकिन स्नो से कवर रहते हैं। ये जो एरिया है वो क्या है, बर्फ से ढका हुआ एरिया है। द स्नो मेल्ट ब्रीफली इन स्प्रिंग एंड समर प्रोड्यूसिंग शैलो पॉन्ड्स, जहाँ पॉन्ड्स बन जाते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। लाइकेंस एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स टिपिकल ग्रो बिकॉज ऑफ द आइस दैट कवर्स लैंड इन द टुंड्रा। दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलेटिंग द अर्थ टेम्परेचर। इट ऑल्सो सर्व एज अ वाटर रिजर्वियर इन फॉर्म ऑफ आइस और फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है डिजर्ट इकोसिस्टम। दीज आर वंस अकरिंग इन डेजर्ट हैबिटेट। Some of them contain sand, dunes, other mostly rocks. Organisms in this desert are not the diverse as those in forest, but they possess adaptations that make them suited to their environment. Plants that are commonly found in desert are camp plants such as cactus. ठीक है, तो जो कांटे वाले पौधे होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं इस तरीके के इकोसिस्टम में, तो ये भी एक एग्जाम्पल है।
फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आर द एक्वेटिक इकोसिस्टम, इनको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। जो जीव जंतु पानी में होते हैं और वहाँ के इकोसिस्टम को फ्रेश वाटर या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम दैट डू नॉट कंटेन सॉल्ट वाटर, जहाँ रेती मतलब कि जो सॉल्टी वाटर नहीं है, दे आर होम टू अलग प्लैंकटॉन, इंसेक्ट, एम्फीबियंस एंड फिश, दे आर टू मेजर टाइप्स, लैंटिक और लॉटिक इकोसिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट है मैरीन इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम दैट कंटेन सॉल्ट वाटर, ठीक है। तो डिफरेंस समझ लीजिए, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं, और मैरीन इकोसिस्टम भी क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पानी नमकीन होता है, सॉल्टी वाटर होता है। एग्जाम्पल आर द इकोसिस्टम सीज एंड ओशियंस, ठीक है। तो समुद्रों में जो एक तरीके से इकोसिस्टम डेवलप है उसको हम सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। द ओशियन इकोसिस्टम इन पर्टिकुलर आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ड्यू टू द वास्ट पॉपुलेशन ऑफ ऑटोट्रॉफिक एल्गे दैट रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, मैरीन इकोसिस्टम्स आर रिगार्डेड एज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। तो आप देखिए समुद्रों में आपको बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, जो पानी में रहते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज़ अ मैन मेड इकोसिस्टम विच कैन बी फर्दर क्लासीफाई इन द टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मैरीन। एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज टेरेरम। मैनी मैन मेड इकोसिस्टम आर बिल्ट फॉर कंजर्वेशन पर्पस, एस्थेटिक्स एंड स्टडिंग बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, ओके। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल, मैरीन, फ्रेश वाटर, डिजर्ट, टुंड्रा, ग्रासलैंड एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो आप डिफरेंस देखने को देखिए कि भाई अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम और वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे जीव जंतु मिलेंगे, लेकिन उनका जो हैबिटेट है या फिर उनका जो एक तरीके से ग्रो है वो कहीं ना कहीं उस अबायोटिक कंपोनेंट की वजह से भी है, ठीक है, और उसी हिसाब से फिर वो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं और अपने अपने हैबिटेट्स में रहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, थैंक यू वेरी मच।